हैप्पी गुरुपुरब टू एवरीवन। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ स्पेशल ब्लॉग फॉर गुरुपुरब ऑन गुरु नानक जयंती। तो मैं जिस जगह पर रहती हूँ वहाँ पर पंजाबी कल्चर बहुत ज़्यादा बिलोंगिंग है। तो यहाँ पर मैं गई थी, यहाँ पे पास के गांव में एक बहुत सुंदर सा, जिसको कहते हैं छोटा गोल्डन टेम्पल या छोटा अमृतसर भी कहा जाता है, वहाँ टुडे वी वेंट। तो ये है वहाँ का एक सुंदर सा गुरुद्वारा, यू कैन सी ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये थी इसकी एंट्रेंस, और ये एंट्रेंस से इतना ज़्यादा सुंदर था, लाइक इट गिविंग अ सो पीस। और यहाँ चीकू अपने फुल धमाल के साथ है, और यहाँ मैं गई थी अपनी कलीग्स के साथ में, तो दे ऑल आर माई कलीग्स, और चीकू इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो बस सो टुडे वी आर एंजॉइंग आर गुरु नानक जयंती। तो ये है बहुत सुंदर गुरुद्वारा, और यहाँ का एक कल्चर है जो सबको फॉलो करना पड़ता है कि यहाँ पर आप मतलब बिना दुपट्टा बिना सर को कवर किए यू कांट एंटर द गुरुद्वारा। तो शी इज टाइंग द नॉट, और वो चिकू के ये नॉट कर रही थी जिससे चिकू को भी अच्छे से एंट्री मिल जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो यू कैन सी यहाँ मस्ती चालू हो गई थी हमारी गुरुद्वारे में एंटर होते ही, और शी इज़ माई बेस्ट कलीग, और चिकू के साथ ये बहुत ही कंफर्ट रहती है, लाइक जैसे मौसी प्यार करती है ना, लाइक वैसे ये चिकू का उतना ही ख्याल रखती है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्ट रहती हूँ इन दोनों के रिलेशन से। सो यहाँ पर हम ले रहे थे प्रसाद, यहाँ आई थी प्रसाद की बारी, तो यहाँ पे हमने प्रसाद लिया है, ये प्रसाद हम चढ़ाएंगे वहाँ पर अंदर, और वहाँ से इसमें हमको थोड़ा सा प्रसाद वापस मिलता है। तो ये था हलवा, यहाँ पे मतलब बेसिकली हलवे का प्रसाद ही मिलता है। सो ये गए थे हम यहाँ पे अंदर, और जब एंटर होता है सबसे सुंदर चीज़ मैंने मूवीज़ में देखा था कि ऐसे पैर धुलते हैं यहाँ पे। सो मैं ये फील कर रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और चीकू तो बहुत ही इन्जॉय कर रहा था इस चीज़ को। तो बस वी बोथ एंटर्ड, और यहाँ हमने गुरुद्वारे में एंटर किया है, और यू कैन सी ये इतना सुंदर था। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे अपने मंदिर नहीं होते, मंदिर भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये इस कल्चर को या इस तरह के मतलब गुरुद्वारे में जाना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ लाइक शोर शराबा नहीं था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और आज इतने स्पेशल दिन पे मैं इतनी स्पेशल जगह गई थी, तो ये मेरे लिए काफ़ी मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक ब्लिसफुल। और यहाँ पे अंदर फ़ोन यूज़ करना मना था, तो जस्ट आई वॉज कैप्चरिंग फ्रॉम देयर ओनली इसीलिए। और यहाँ पर मैंने छोटा सा शूट करा था, बिकॉज मैंने देखा अंदर काफ़ी लोग फ़ोन चला रहे थे। तो ये था अंदर का एंट्रेंस, और ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लाइक इतना अंदर इतना सुकून मिल रहा था ना मुझे यहाँ पर, आई कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। और उसके बाद हम जब बाहर निकले पीछे के एरिया से, तो वाओ यू कैन सी सेम गोल्डन टेम्पल वाली वाइब आ रही थी। यहाँ पर ये सरोवर था, और एक्चुअली आज मौसम भी इतना सुंदर था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बहुत ही बारिश था और ठंडा मौसम था एकदम फॉग वाला, तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइक ये वाला जो सीन था ये ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और यू कैन सी कितना पीस, लाइक आप शायद फील कर पा रहे होंगे यहाँ पे कितना पीस है। तो ये था यहाँ का सीन, और इसके अंदर छोटी फिशेस भी थी। नाउ ये मेरी कलीग जो थी उसको मैंने बार रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा यार, कि मुझे भी मूवमेंट कैप्चर करना था, तो बस मैंने चीकू ने फटाफट से यहाँ पर हमारे हाथ मुँह जो धोते हैं जो लोग कर रहे थे, लाइक क्योंकि मैं इस कल्चर से बिलोंग नहीं करती तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं यहाँ पर कैसे क्या किया जाता है, तो वी आर जस्ट इन्जॉइंग। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ बच्चों के और खुद के लाइक पैर और हाथ साफ करते हैं, और खुद को थोड़ा छींटा मारना होता है, तो बस मैंने यहाँ पर चीकू के थोड़े से पैर साफ करे अच्छे से, और उसके फिट साफ किए, उसके आम क्लीन किए, और उसके बाद में हमने यहाँ पे छोटा सा रिकॉर्ड करने के बाद में हम गए थे इस पूरे सरोवर का एक छोटा सा, कहते हैं ना मतलब अपने जैसे यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, तो वैसे हम यहाँ परिक्रमा करने जा रहे थे। तो बस हम परिक्रमा करने निकले थे, मैं यहाँ पे फिशेस थी बहुत सारी, बट उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज वो थोड़ी मतलब डेप्थ में थी, तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो क्लियर दिख ज़रूर रही थी। तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे परिक्रमा करने के लिए,
और ये सच में बहुत सुंदर था। लाइक मैं बताऊंगी आपको इस लोकेशन का नाम एंड में ज़रूर प्रिस्क्राइब करूंगी, ये बहुत सुंदर लोकेशन उतर जाओ थी। दीजू। उसके बाद हम गए थे इवेंट फॉर लंगर, यहाँ लंगर चल रहा था तो हम लंगर के लिए गए थे। यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी थाली ली, यू कैन सी यहाँ पे लंगर चल रहा है। हम लंगर के लिए बैठे, लंगर में दाल थी, रोटी थी और जलेबी थी। यहाँ पर एक चीज़ नई चीज़ सीखने को मिली कि लंगर में या जैसे पंजाबी कल्चर में रोटी को प्रसादा बोलते हैं, यहाँ पर रोटी नहीं कहा जाता है तो बस यहाँ प्रसादा बोलते हैं। और ये थे मेरे सारे कलीग्स जो हम लंगर इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा पार्क था, हम वहाँ गए थे तो चीकू यहाँ पे पार्क में एंजॉय करने गया। यू कैन रिलेट अगर इफ़ यू आर हैविंग बेबीज, तो कि अगर पार्क में अगर राइड्स मिल जाती है ना तो बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे चीकू ने पार्क में अपनी राइड्स एंजॉय की। ज़्यादा राइड्स तो नहीं थी यहाँ पर, ये स्लाइड्स थी और कुछ सीसॉ वगैरह थे और ज़्यादा कुछ थे नहीं यहाँ पे स्लाइड्स। तो ये देखो यू कैन सी ये चीकू ने 1 2 3 यहाँ पे चिकू ने इन्जॉय करा अपना और सब आगे चलो बाहर चलो बाहर। तो चिकू को थोड़ा मूड ऑफ हो गया था फिर, लेकिन चिकू को मैंने कहा नहीं बेटा तू इन्जॉय कर आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ तो आप इन्जॉय करो। तो चिकू अपने सेकंड राउंड पे निकल गए थे यहाँ पे। और चिकू का नंगे पाँव रहता नहीं ना, तो उसको ये थोड़ा गार्डन में नंगे पाँव था तो उसको थोड़ा जैसे पत्थर वत्थर होते हैं और घास भी सूखी थी तो उसको थोड़ा इरिटेशन हो रहा था, लेकिन ये हमने सेकंड राउंड यहाँ पर करा। उसके बाद चीकू को मैं कह रही थी चीकू मुझे भी रिकॉर्ड कर ले यार, मुझे भी करना है वाला स्लाइड। आजा आजा आजा। तो चीकू यहाँ पे आया, चीकू बहुत तेज गिरा था यहाँ पे एक बार जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद दिस इज माय टर्न टू स्लाइड, तो यहाँ मेरी टर्न हो गई थी और चीकू वॉज रिकॉर्डिंग दिस क्लिप। लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरी ये बहुत छोटी स्लाइड थी, बिकॉज ये बच्चों के लिए थी, लेकिन फिर मैंने इन्जॉय किया यहाँ पर। आज उसके बाद हम गए थे यहाँ पे एक छोटी सी, लाइक ज़्यादा तो कुछ नहीं था यहाँ पे, एक छोटी सी रोड पे शॉप लगी हुई थी, उसमें थोड़े से सामान थे लाइक यहाँ के जो भी नॉर्मल सामान होते हैं शॉपिंग के लिए, चूड़ी पायल बिंदी चूड़ियाँ और थोड़े से गेम्स थे, लेकिन ये गेम बहुत ही लोकल थे तो मैं चू दिरा नहीं पाई थी। उसके बाद हम यहाँ से निकले। तो दिस इज़ माई गुरु पूरब स्पेशल व्लॉग, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप कनेक्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और गुरु साहब करें आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस व्लॉग विद योर लव्ड वंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।